CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कनाडा से सिख गुरुधामों के चली बस आज सचखंड श्री हरमंदिर साहब पहुंची। SGPC मेंबरों द्वारा बस में सवार श्रद्धालुओं को सम्मानित किया गया। ये बस में सवार सिख श्रद्धालु 21,000 किलोमीटर का सफर कर यहां पहुंचे हैं। यहां से ये बस सुल्तानपुर लोधीनौर हजूर साहिब जाएगी और फिर वापस कनाडा के लिए रवाना होगी। इस बस में कुल 8 श्रद्धालु सवार हैं। कनाडा से सिख गुरुधामों के लिए रवाना हुई बस आज सचखंड श्री हरमंदिर साहब पहुंची। कल ये बस अटारी वाघा रास्ते भारत पहुंची थी। ये बस कनाडा से चली थी और कुल 17 देश होते हुए भारत पहुंची। इससे पहले इस बस में श्रद्धालु करतारपुर भी माथा टेक कर कल ही भारत पहुंचे थे। बस में श्रद्धालु पूर्ण सिंह का कहना है कि 550 साल प्रकाश पर्व मनाने हेतु ये बस पिछले 2 महीने से कनाडा से चली थी और आज ये बस यहां पहुंची थी। सुल्तानपुर लोधी हजूर साहिब के बाद ये बस शिप के जरिए वापस कनाडा रवाना होगी। इस बस में सवार श्रद्धालु परमजीत सिंह का कहना है कि 10 सितंबर को कनाडा से चले थे। इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ईरान, टर्की, पाकिस्तान के साथ साथ कई देशों से होते हुए भारत पहुंची और आज खडूर साहिब, गोइंदवाल साहिब होते हुए सुल्तानपुर लोधी पहुंचेंगे और वो शांति का संदेश लेकर यहां पहुंचे हैं। पूरन सिंह बांगा, सत श्री अकाल चैरिटेबल ट्रस्ट बॉम्बे तो। जी 550 साल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, उस उपलब्ध बस जी है वह कैनेडा तो पिछले 2 महीनों तो चल के वक् वक् देशों की यात्रा करती हुई करतारपुर साहब की पवित्र धरती तक पहुंची। उस तो उपरंत कल बॉर्डर राही क्रॉस करके इतने अज श्री अमृतसर साहब दरबार साहब पवित्र धरती तक पहुंचे। गुरु महाराज ने यह सेवा जी साड़ी चौधरी पाई है, असी बाघा वाले हाँ। इस तो उपरंत सुल्तानपुर लोधी, आनंदपुर साहब, दिल्ली श्री हजूर साहब तो होंदे हुए बॉम्बे पुजेगी, उत्थे समाप्ति है। उस तो उपरंत जी बस है शिप राही वापस जाएगी। रस्ते दे विचकार साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा सुनेहा सी, किरत करो, वंड छको, नाम जपो, वो वंडी जा रहे हैं। गुरु महाराज आप सेवा लै रहा है, अगे भी इस तरह ही राह पेंडे अंग संग साही होए। असी संगतां दे तहे दिलों धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। असीं एक्चुअली टोरंटो तो 10 सितंबर तो रहे गए, तो गड्डियां ही 13 सितंबर चुके हैं लिवरपूल तो इंग्लैंड चो, तो उस तो बाद 440 आ। किन्ने जत्था कभी साढ़ा 7 तो जाके 9 आ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਹਾਲੈਂਡ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਟਲੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਹੰਗਰੀ, ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਸਬੇਰੀਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇਰਾਨ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੋ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਕੀ, ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਥਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕੱਟਣੀ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ? ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।